नमस्कार दर्शकों, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। सियासत क्या ना करवाए, विचारधारा को ताक पर रखकर जिस तरह से सियासी धुरंधर वर्तमान राजनीति में पाला बदल कर रह रहे हैं, उसको देखकर दल बदलू सियासत का पुराना दौर याद आ जाता है। हवा का रुख देख सियासतमंद कैसे दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना रहे हैं, दल बदलते नेताओं से पल पल बदलती राजनीति, इसी पर आज बात करेंगे। तो आज की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जितिन प्रसाद ने प्रियंका के प्लान को पंचर कर दिया है? क्या जितिन प्रसाद को इतना मजबूर किया गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी? क्या पार्टी को रिवाइव करने की बात कहना जितिन प्रसाद को महंगा पड़ गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता शर्मा और अब जितिन प्रसाद, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो छोड़िए, पार्टी के कोर लीडर पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस का ग्रेस पीरियड आ गया है? क्या बीजेपी का चुनावी एजेंडा हो चुका है कि चुनाव से पहले विपक्ष के सारे नेताओं को तोड़ लो और खुद में मिला लो? सभी सवालों पर मचे बवाल पर होगा आज का भारत एट नाइन। चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है, जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल, वो भारतीय जनता पार्टी। तो आज सुबह दिन बुधवार तारीख 9 जून जगह दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर 10:40 पर आया एक ट्वीट। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद अनिल बलूनी के इस एक ट्वीट से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने टीवी के स्विच को ऑन कर दिया। हर तरफ नजरें ब्रेकिंग न्यूज के इंतजार पर टिक गई। अनिल बलूनी ने ट्वीट में आज एक जानी मानी शख्सियत के बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही थी। उन्होंने लिखा, आज दोपहर 1 बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में एक जानी मानी हस्ती बीजेपी ज्वाइन करी। हस्ती का नाम नहीं बताया था। खैर, सोशल मीडिया के मठाधीशों ने आधे मिनट में नाम क्लियर कर दिया। बलूनी के इस ट्वीट के बाद से कांग्रेस के सभी नेता एक दूसरे की ओर शक की निगाहों से देख रहे थे। कांग्रेस में कब कौन भाजपाई बन जाए, ये आज की तारीख में तो कोई नहीं जानता। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने तो कहा कि कहीं राहुल गांधी ही तो नहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, पर जब आशंकाओं से अंधेरा छटा तो पता चला कि बलूनी साहब जिस शख्सियत की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं जितिन प्रसाद है। पूरी बात करेंगे, इस दल बदल के कार्यक्रम का पूरी ABCD समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन है ये जितिन प्रसाद साहब और इनका बीजेपी में जाने का क्या मायना है। लेकिन उससे पहले जितिन प्रसाद का एक क्विक इंट्रो आपको बताते हैं। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, लखीमपुर और सीतापुर में काफी लोकप्रिय नेता है और ब्राह्मण समाज में इनका खासा प्रभाव है। जितिन प्रसाद का जन्म 29 नवंबर 1973 को शाहजहांपुर में हुआ था। जितिन प्रसाद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के बोर्डिंग स्कूल दून पब्लिक स्कूल से पूरी की। उसके बाद जितिन प्रसाद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली के ही IMI कॉलेज से MBA की डिग्री ली। जितिन प्रसाद ने सन 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में सचिव के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जितिन प्रसाद के परिवार के बारे में बात करें तो प्रसाद एक मजबूत और नामचीन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद, जो कि बाबा साहब के नाम से भी मशहूर थे, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दादा ज्योति प्रसाद भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने विधायकी और स्थानीय निकाय पदों पर लंबे अरसे तक काम किया। वहीं जितिन प्रसाद की दादी पामेला प्रसाद कपूरथला के शाही सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके परदादा ज्वाला प्रसाद एक उपनिवेशिक सिविल सेवा पदाधिकारी और परदादी पूर्णिमा देवी थी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर की सबसे छोटी बेटी थी। घर परिवार की बात हो गई, या वापस आते हैं मुद्दे पर, मतलब जितिन प्रसाद का राजनीतिक करियर क्या है। तो उनका करियर है कि 2001 में प्रसाद ने भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में राजनीति में कदम रखा था। 2004 में उन्होंने अपना पहला चुनाव अपने गृह लोकसभा शाहजहांपुर से लड़ा और जीत भी हासिल की। 2008 में प्रसाद केंद्रीय राज इस्पात मंत्री बने व उस समय वह कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। 2009 में प्रसाद ने 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव धौरहरा से लड़ा और विजयी हुए। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा से हार गए थे। तो ये तो रही बातें जितिन प्रसाद के बारे में। अब बात करते हैं जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने का क्या मतलब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, जितिन प्रसाद काफी लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, जो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वैसे ये पहले से ही कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था कि जब कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों में जितिन शामिल हुए थे, उसी वक्त की बात है ये। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव के लिए पत्र लिखा था।
जिसके बाद सियासी माहौल खूब गर्म रहा था। जितिन प्रसाद सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उनका कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाना गांधी परिवार के लिए सिर्फ पार्टी के लिहाज से ही नुकसान नहीं है बल्कि पारिवारिक नुकसान के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही उनको छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं और अब जितिन प्रसाद। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण चेहरा रहे जितिन प्रसाद बीजेपी में जाकर क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, क्योंकि आज के माहौल में केंद्र में कहीं ना कहीं 2022 का विधानसभा चुनाव है जो कि उत्तर प्रदेश में होने हैं। वैसे कांग्रेस का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा, राजनीति के रसोड़े में गोपी बहू वाला हाल हो गया है, कुछ पता नहीं है कि कौन था। खैर, जितिन के जाने के बाद उनके नेता जो अब कह रहे हैं उसे पढ़कर मॉन्टेसरी स्कूल का बच्चा भी उनको काउंटर कर देगा, मतलब कि उनके नेता ट्वीट कर कह रहे हैं कि जितिन कोई बड़े नेता नहीं थे, वो ये चुनाव हारे, वो चुनाव हारे। अरे साहब, जब खुद के घर ताश के पत्तों के बने हों तो दूसरों के घर ज्यादा हवाबाजी नहीं करते। खैर, मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी को टक्कर देने वाला कोई नेता उनकी छवि को छोटा करता रहे। पहले तो उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, फिर बंगाल भेजकर यूपी में पार्टी का जो सिस्टम था उसको बैठाया गया। खैर, पार्टी की बातें हैं, उनको करने दो। गांधी परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी परिवार है। यह हर वो नेता कहता है जो कांग्रेस से ब्रेकअप कर लेता है, जो कि ठीक नहीं है। पीपल शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर एक्स। राजनीति भी आखिर है तो एक नीति ही। वैसे कांग्रेस का हाल, हाल ही में एक फिल्म थी, आपने भी देखी होगी, काफी वक्त पहले आई थी, जिसका नाम था कोई मिल गया। कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के एक गाने की तरह हो गया, मतलब इधर चला मैं उधर चला मैं, जाने कहा किधर चला मैं। वैसा ही हाल इधर है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। यह दल बदल की राजनीति के घोड़े जब दौड़ते हैं तो और भी दल बदल के घोड़े पीछे पीछे लग लेते हैं, लेकिन दल बदलू जमात से बीजेपी भी कोई महफूज नहीं रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में 25 साल पुराने मित्र दल शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद पाला बदल लिया। ये बात अलग है कि हाल के वर्षों में बीजेपी को दल बदल रूपी ठगी का सबसे ज्यादा फायदा मिला। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल एक फिर नए मुद्दे के साथ आपसे बात होगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।